हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनी। स्वागत है आपका मेरे चैनल मोनी की रसोई में। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन मसाला फ्राई की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम चिकन फ्राई बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आइए हम देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब चिकन लिया है। इसे मैंने अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। देखिए, मैंने डाल दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बना के रखा था, मैं ऐड कर दे रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच कर्ड, ये देखिए डाल दिया है मैंने। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करेंगे, सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह कोट हो जाने चाहिए। इसके बाद हम इसे 30 मिनट से तक रख देंगे अलग। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इसे अच्छे से हम 1 घंटा भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 जावित्री, छोटी दालचीनी, 1 बड़ा इलायची, 2 छोटी इलायची, कुछ मैंने लौंग लिए हैं, कुछ मैंने ब्लैक पेपर लिए हैं यानी गोल मिर्च, यहाँ पे 4 मैंने बड़े साबुत लाल मिर्च लिए हैं, कुछ धनिया लिया है मैंने और कुछ जीरा लिया है। इन सबको मैं यहाँ पे कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने के बाद हमें इनका पाउडर बना लेना है और इसे हम अलग रख लेंगे। चलिए, इसे हम अच्छी तरह रोस्ट कर लेते हैं और फिर हम इसका पाउडर बना लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं चिकन बनाने के प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच तेल डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने काट लिया था। तो चलिए मैं डाल देती हूँ इसमें, ये देखिए। प्याज डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह सुनहरा होने तक भून लेना है। जैसे ही हमारे प्याज का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो पहले हम इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हमने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसे 1/2 घंटे 45 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे इसमें डाल देते हैं। इसे डालने के बाद हमें अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, हम इसे ढककर पकाएंगे। चलिए, हम इसे पहले ढक देते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जो हमारा चिकन है हल्का हल्का पानी छोड़ दिया है। अब हम इस टाइम पे इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने थोड़ा पहले भी डाला था, इसलिए मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच से 1 चम्मच डालूँगी और 1.5 चम्मच के करीब मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है, ये देखिए। अब हमने जो यहाँ पे मसाले रोस्ट करके पाउडर बनाया था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो सारे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। ये मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है चिकन में। इस मसाले से आप चिकन बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए। अब सारे मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। जब हम सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे पकने देंगे। चलिए, ये देखिए, जो हमारा मसाला है भून रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच चिकन मसाला। चिकन मसाला मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और फिर मैं इसमें डाल दूंगी एक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। उसके बाद इन दोनों को हमें अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से मसालों में इसे मिक्स करना है, ये देखिए। इसके बाद फिर से हम इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारे इस चिकन को पकने में टाइम लगता है, 30 से 45 मिनट्स में लगते हैं हमें चिकन बनाने में। देखिए, हमारा जो चिकन है वो तेल छोड़ रहा है। इस टाइम पर हम इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे फिर से एक बार। हमें बीच बीच में इसी तरह से मिक्स करते रहना है ताकि नीचे से हमारा जो ग्रेवी है वो चिपके ना, क्योंकि हम इसमें पानी ऐड नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। चलिए, फिर से इसे ढक देते हैं और इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए,
लगभग हमारा चिकन पक गया है, थोड़ी देर हमें इसे और पकाना है। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे कुछ ग्रीन चिली। ग्रीन चिली में ये ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए मैं इसमें डालती हूँ। इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए इसे डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर अभी और इसे हम पकाएंगे। अब ज़्यादा देर नहीं पकाना है हमें। ये देखिए कितना अच्छा भून गया हमारा चिकन, बहुत अच्छा लग रहा है ना देखने में। इसे अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। अगर आप चिकन खाना पसंद करते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। आप इसे अपने घर पे ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, तो इसे बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 30 to 45 minutes में हमारी चिकन रेडी हो जाती है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसे आप गर्म गर्म फुलकों के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप अपने फैमिली को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। इसी तरह मैं आपके साथ नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं। ठीक है, मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ।